वेलकम बैक क्लास नाइन स्टूडेंट्स। आज हम आपको तीसरा हिस्से पे लेके आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। माइक्रोस्कोप पर फाइनली हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने रेजोल्यूशन मैग्निशन पढ़ा, आज हम आपको माइक्रोस्कोप बताते हैं। माइक्रोस्कोप बेसिकली दो तरह का है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होता है, जस्ट वन लेंस। मिसाल के तौर पर ये एक ट्यूब है, यहां से आप देख रहे हैं। सपोज यहां पर एक लेंस रखा हुआ है, आप कोई चीज देखते हैं उसके अंदर सिर्फ एक लेंस है, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। वो ये ग्लासेस आपने देखे होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप ग्लासेस आते हैं, छोटे से लेंस आते हैं। अगर आप ना उसको बुक की तरफ देखें ना, तो आपको अल्फाज बड़े बड़े नजर आएंगे। तो बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो भी एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये जरूरी नहीं कि कोई मशीन हो, बड़ा सा जंजाल हो, फिर आप माइक्रोस्कोप कहेंगे। भाई वो जो शीशा है ना, हल्का सा, चलो शीशा तो आप नहीं कह सकते, बट है तो ग्लास, तो उससे आप चीजें देखते हैं, वो आपको चीजें बड़ी दिखाई देते हैं। उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, बस इतना सा है, वन लेंस। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कम से कम दो लेंस होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो लेंस होते हैं। तो इट यूज सेवरल लेंस, मतलब दो ज्यादा भी हो सकते हैं, सेवरल का मतलब है ज्यादा, लेकिन कम से कम दो लेंस होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंपाउंड। कंपाउंड केमिस्ट्री वाला कंपाउंड नहीं है जो आपने सुना है। कंपाउंड मीन्स यहाँ एक से ज्यादा चीजें इसमें शामिल है, चूंकि इसमें दो या दो ज्यादा लेंस शामिल है, इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। तो लिखा हुआ, इट यूजेस सेवरल लेंस टू इनहांस द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चीजों को मजीद बड़ा करने के लिए। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसका एग्जाम्पल है। अब एक और माइक्रोस्कोप भी है, वो उसी के अंदर आ जाएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप होगा। लाइट माइक्रोस्कोप क्या वाला है, इसको तफसील से आज देखते हैं, ठीक है। लाइट, जैसे कि आपको पता है, लाइट नाम से ही पता चलता है, लाइट ये रोशनी का इस्तेमाल करके चीजों को देखते हैं। सो आइए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप इट यूजेस लाइट एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, चीजों को देखने के लिए ये चूंकि लाइट इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप रखा गया है, लाइट। और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो 1500 गुना ज्यादा है, 1500 गुना। जरा आप याद कर लीजिएगा, पहला वीडियो इस चैप्टर का, वहां पर हमने देखा था 250x बड़ा करता था वॉन लीवेनहॉक का माइक्रोस्कोप। लेकिन ये 1500 गुना, 1500 गुना बड़ा करके आपको सर ऑब्जेक्ट दिखा देता है। इट्स रेजोल्यूशन पावर, इसका रेजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर है। हमारे आंख ने मिलीमीटर में वो चीज देख रहे थे ना, मिलीमीटर में, ये कितना जबरदस्त, ये 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर को आप 1000 हिस्से में डिवाइड कर दो, 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दो, फिर उसे एक हिस्सा उठाओ, कितना छोटा होगा वो, एक छोटा हिस्सा 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। और ये चीज, ये माइक्रोस्कोप 0.2 माइक्रोमीटर तक चीजों को रिजॉल्व करता है। यानी अगर दो चीजें एक दूसरे से इतना दूर हो कि उसके दरमियान 0.2 माइक्रोमीटर का फासला हो, तो आपको दो नजर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन पावर है इसका।
0.2 माइक्रोमीटर। अच्छा, जो इमेज आपको दिखाता है 2D इमेज है, ठीक है, दीवार पर आपको जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कोई शेप है, कोई शक्ल है, वो सारे के सारे क्या है, 2D इमेज है। तो ये भी आपको 2D इमेज ही दिखा देते हैं, बड़ा करके 2D होता है, 3D नहीं होता। लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रोशनी कहां से कहां जाएगा वो आप लोग जरा याद रखिएगा। इसमें हम लोग चूंकि लाइट इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्ट हम लाइट से करेंगे। लाइट सबसे पहले सैंपल पे पड़ेगा। कोई यार सिंपल कुछ भी हो सकता है, आपने प्याज को काट दिया है, प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा आपने नीचे रखा, खून का एक छोटा सा कतरा आपने रखा, ये आपका सैंपल है। तो सैंपल पे सबसे पहले रोशनी पड़ेगी, सैंपल से वो रोशनी चली जाएगी लेंस की तरफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में दो लेंस इस्तेमाल करते हैं, एक लेंस जहां आपका आई है ना, जहां से आप देखते हैं, एक लेंस यहाँ पड़ा हुआ, एक लेंस यहाँ पड़ा हुआ, दो लेंस है। इसका नाम है आई पीस और यहाँ पर जो लेंस है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दो लेंस हो गए। बाकी नीचे उसका आर्म लगा हुआ है, यहाँ पर उसका स्टेज है, यहाँ पर आप सैंपल रख लेते हैं, सैंपल नीचे से, यहां से नीचे से आप लाइट देते हैं। लाइट तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, मेरे पास अच्छा खूबसूरत तस्वीर है, पिक्चर है। तो लाइट कहाँ पे पड़ेगी, लाइट आप बटन ऑन कर लेंगे या आम रोशनी जो सूरज कोई खिड़की से रोशनी आ रही है, वो रोशनी आप ना सैंपल से पास करके ना, वो सैंपल से वो रोशनी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस पे, आईपीस के बाद ये जो इंसानी आंख है ह्यूमन आई, ये जाकर ये रोशनी फिर इंसान की आंख में पहुंच जाएगी। तो ये रास्ता जरा आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस पे आएगा, आईपीस से आपके आंख में आ जाएगा, बस ये आपने याद रखना है। चले, लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है, 1 ना 10,000, 10,000 गुना बड़ा है आंख के निस्बत, 10,000 गुना बड़ा। रेजोल्यूशन इसका कितना है, 500। अच्छा, एक तो वो आपने देखा था 0.2 नैनोमीटर था, राइट, माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। रेजोल्यूशन इसका आंख के मुकाबले में, 500 गुना ज्यादा है इसका रेजोल्यूशन, 500 गुना ज्यादा है। भाई ये तो आम लाइट माइक्रोस्कोप है जो मुझे और आप सब ने देखा है, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे लेके जाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा कि वो क्या है। या अच्छा, ये 2D इमेज हमें देता है। आप ये पॉइंट्स आप नोट्स नोट करते जाइए। अब इसका पिक्चर मैं दिखाता हूँ, ये पिक्चर है, यहां से हम देखते हैं आईपीस, इधर एक लेंस लगा हुआ है, फिर एक ट्यूब है, ये पूरा का पूरा आपका ट्यूब है ये, उसके बाद ये बॉडी है, ट्यूब का बॉडी है, यहां से अगर आप देखना है ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, ये वाले जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, घुमा सकते हो एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा, यहाँ पर तीन चार ऑब्जेक्टिव लेंस उन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, नीचे इसके क्या स्टेज क्लिप, यहाँ पर एक क्लिप भी है आपको नजर आएगा, क्लिप, ये क्लिप क्या करता है, ये आपका सैंपल है, आप सैंपल आप ऊपर रखते गिर सकते हैं ना, तो क्लिप रखा हुआ है, क्लिप, ये क्लिप इस सैंपल को पकड़ के रखेगा, ठीक है ना, क्लिप सैंपल पकड़ के रखेगा, तो ये क्लिप है। नीचे आपका स्पेसिमेन स्टेज है, स्टेज, ये स्टेज है। अब जाहिर है सैंपल को किसी चीज पर तो रखना था ना, स्टेज है, पहले स्टेज है, स्टेज के ऊपर सैंपल रखा जाएगा। नीचे आपको मिरर नजर आ रहा है, ये मिरर दरअसल लाइट को ना, जब इस पर लाइट पड़ती है ना तो उस लाइट को सैंपल से गुजार देते हैं, पहले लाइट इस मिरर पे पड़ेगी, लाइट मिरर पे पड़ेगी। बाज माइक्रोस्कोप में आम सूरज की रोशनी, बाज माइक्रोस्कोप में एक छोटा बल्ब होता है, बल्ब ऑन करते बल्ब की रोशनी जो है वो चलती है। तो बहरहाल ये रोशनी यहां से जाएगी, ठीक है, स्टेज के अंदर एक सुराख है, उस सुराख
के ऊपर जो है तो एक शीशा लगा हुआ है, उस शीशे के ऊपर आपका सैंपल पड़ा हुआ है, तो रोशनी उस सुराख से शीशे से पास होते हुए, सैंपल से पास होते हुए आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ तक आएगा, और ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर रोशनी सफर करते करते आईपी से गुजर के यहाँ से आप आंख से चूंकि देख रहे तो आपको आंख बड़ा करके अंदर आएगा। तो ये है। अच्छा, इसमें फोकस देख के आप मोबाइल में आपके लिए फोकस है ना, तो माइक्रोस्कोप में दो तरह का फोकस है, एक कोर्स फोकस है जिससे आप चीजों को बड़ा कर देते हैं लेकिन डिटेल उससे नजर नहीं आती, डिटेल नजर नहीं आता उसका अच्छा खासा, पहले आप बड़ा कर लेते हैं फिर आप ये वाला बटन छोड़ देते हैं, इसका ड्यूटी खत्म। अब यहाँ पर एक और छोटा बटन है वो फाइन फाइन के लिए, वो छोटी चीजों को एकदम से साफ करते, वो पहले छोटी चीज से ब्लर ब्लर नजर आती है, छोटी चीज से ब्लर ब्लर नजर आती है, सही नजर नहीं आती, जब उसको फाइन करते हैं ना तो बड़ा सा साफ सा वो आपको नजर आएगा। जब मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ कैंसर सेल पे मैं काम कर रहा था, तो कैंसर सेल इस तरह के शाखदार सेल्स होते हैं, इस तरह से ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं, तो शुरू में ऐसे वो ब्लर होते हैं लेकिन फाइन ट्यून करके दूसरा बटन को थोड़ा मैं घुमा देता ना तो ये जो सेल्स है ना बहुत क्लियर नजर आते थे, साफ साफ नजर आते थे। तो एक फाइन फोकस है, एक कोर्स फोकस है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर जिस जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था उसका बटन नीचे था, यहाँ पर जो बेस है इधर था उसका बटन, लेकिन ये इसका बटन ऊपर है। बहरहाल जिधर भी हो ये एक माइक्रोस्कोप है, और हाथ से पकड़ने के लिए ना उसमें जगह होता है, ये आर्म जो है ये हाथ से पकड़ने के लिए जगह है। तो आपको माइक्रोस्कोप भी मैंने समझा दिया आज, माइक्रोस्कोप का सारा कुछ बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताऊंगा, उसके टाइप्स भी बताऊंगा, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में तो आपको बता पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये आप लोग शेयर करते ही जाएंगे, अगर आप शेयर करोगे मुझे पता चलेगा कि ज्यादा से लोग देख रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा, अदरवाइज शेयर नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सो यहाँ तक हजम कर ले आपसे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।